पर शियाळे दक्षिण भारत ना तमिलनाडु में बारे मेघखांगा। तमिलनाडु ना अनेक शहरों में छेल्ला एक अठवाडिया थी अत्यंत भारे वरसाद, शहरों में पानी नी नदियों वहती थई। मेजोंग बाद तमिलनाडु में फरी आवी आफत, तमिलनाडु ना अनेक विस्तारों में भारे वरसाद नो कहर। चेन्नई, तिरुनेलवेली, थूथुकुड़ी, कन्याकुमारी में भारे वरसाद, भारे वरसाद ने कारण शाला कॉलेज में रजा जाहिर कराई। चेन्नई में हजु 24 कलाक भारे वरसाद की चेतवनी हवामान विभागे आपी। तमिलनाडु में 7 दिवस माटे वरसाद नो एलर्ट, चक्रवात सीस्टम सक्रिय थता दक्षिण तमिलनाडु पर वरसाद नी असर रही शके छे। तमिलनाडु में सतत वरसाद यथावत, तमिलनाडु थूथुकुड़ी शहर में भारे वरसाद नोंधाता रस्ताओ पर पानी वहेवा लाग्या। तमिलनाडु में भारे वरसाद कारण जनजीवन अस्तव्यस्त बन्यो। तमिलनाडु कन्याकुमारी में पेचीपराई जलाशय में छोड़वामां आव्युं वधारानुं पाणी। आईएमडी ए आवतीकाले दक्षिण तमिलनाडु और केरल में भारे थी अति भारे वरसाद की आगाही करी छे। तमिलनाडु तिरुनेलवेली जिल्ला में सतत भारे वरसाद ने कारण मणिमथुर धोध ओवरफ्लो थई गयो। तमिलनाडु थूथुकुड़ी कडबोमन नगर में सतत वरसाद ने कारण घरों में पानी घुसी गया, घरों में पानी घुसी जता लोगों ने हालाकी। तमिलनाडु तिरुनेलवेली में सोसायटी में ज्यां जुओ त्यां पाणी ज पाणी, मोटी मात्रा में पाणी भराता लोगों में भय। तमिलनाडु तिरुनेलवेली जिल्ला में पूरथी प्रभावित लोगों ने आश्रय शिबिर में खसेड़वामां आव्या। पूरथी प्रभावित लोगों ने तंत्र तरफथी जमवानी व्यवस्था कराई। पहाड़ों में भारे हिमवर्षा बाद कड़कड़ती ठंडी, कश्मीर गुलमर्ग में बर्फ हटावानी कामगिरी शुरू करवामां आवी। गुलमर्ग में गई काले भारे हिमवर्षा थई हती, पहाड़ों पर बर्फ वर्षा थता उत्तर भारत में ठंडी वधी। उत्तराखंड विविध विस्तारों में बर्फ की चादर छवाई, बर्फ वर्षा ने कारण मैदानी विस्तारों में ठंडी वधी। दिल्ली में तापमान नो पारो गगड़ियों तो हरियाणा उत्तर प्रदेश में ठंडी में वधारो थयो। हिमाचल प्रदेश में शिमला में भारे हिमवर्षा, भारे हिमवर्षा वच्चे आइस स्केटिंग एरेना में प्रथम आइस स्केटिंग सत्र नो प्रारंभ थयो। युवाओं सीजन में प्रथम आइस स्केटिंग कर्यो। आगामी 5 दिवस वातावरण सूकू रहेवानी हवामान विभाग की संभावना। 22 डिसेम्बर बाद तापमान 2-3 डिग्री वच्चे, पश्चिमी पवन थी तापमान नो पारो गगड़ियो। अमदावाद में तापमान 15.5 डिग्री नोंधायु, गांधीनगर में 13 डिग्री, जयरे नलिया में सौथी ओछू 11.2 डिग्री तापमान नोंधायु। ज्ञानवापी नो एसआई नो सर्वे नो रिपोर्ट सीलबंद कवर में, कोर्ट में रिपोर्ट रजू करायो। सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक न करवा मुस्लिम पक्ष की मांग, 21 डिसेम्बरे वधु सुनावणी हाथ धराशे। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी फरीथी सम्मन्स, दारू कौभांड मुद्दे 21 डिसेम्बरे ईडीए फरीथी पूछपरछ माटे बोलाव्या। केजरीवाल प्रथम सम्मन्स दरमियान हाजर न हता। लोकसभा में होबाड़ा मुद्दे अध्यक्ष विपक्षना 33 सांसदों ने कराया सस्पेंड, 30 सांसदों ने समग्र सत्र माटे सस्पेंड कराया। अधिरंजन चौधरी, टीआर बालू ने कराया सस्पेंड, प्रहलाद जोशीए सस्पेंड करवानो प्रस्ताव रजू कर्यो। सुरक्षा में चूक मुद्दे लोकसभा में विपक्ष नो भारे होबाड़ो, लोकसभा में स्पीकरे सुरक्षा चूक पर चिंता व्यक्त करी। लोकसभा ना स्पीकरे कहू उच्च कमिटी ने तपास सौंपाई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरलाए विपक्षी सांसदों ने आप्यो ठपको, कहू वेल में धसी आवु संसद की गरिमा नहीं, आवी घटना में राजनीति करवी दुर्भाग्यपूर्ण, संसद की गरिमा जाळवी ते तमाम नी जवाबदारी। ओम बिरलाए कहू नारेबाजी करवी ते संसद की गरिमा नहीं, संसद की सुरक्षा मजबूत करवा पर चर्चा थई, साथे मळीने दरेक समस्या नो उकेल लावीशुं। लोकसभाना 33 અને રાજ્યસભાના 34 સાંસદોને આજે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા હતા। સસ્પેન્ડ કરાયેલા સાંસદોએ સંસદની સીડી પર વિરોધ કર્યો હતો। સાંસદોને સસ્પેન્ડ કરવાનો મામલો વિશેષ અધિકાર સમિતિને મોકલવામાં આવ્યો। પીએમ મોદી દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવેલી વારાણસી દિલ્હી વંદે ભારત એક્સપ્રેસના પાયલટ કેબિનમાંથી ઉતરેલા વિડિયો સામે આવ્યા। વડાપ્રધાન મોદીએ કર્યો શાળાના વિદ્યાર્થીઓ સાથે સંવાદ, વારાણસીની સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ સાથે સંવાદ કર્યો। પીએમ મોદીએ કહ્યું બાળકો સાથે સંવાદથી નવી ઉર્જા પ્રાપ્ત થઈ, સ્કૂલમાં સુવિધા વધતા બાળકોનું ભણવામાં મન લાગ્યું, બાળકોએ કહ્યું શાળામાં હવે મન લાગે છે। વારાણસીમાં વડાપ્રધાન મોદીએ સ્વરવેદ મહામંદિરનું ઉદઘાટન કર્યું, કહ્યું જ્યારે મેં સ્વરવેદ મહામંદિરની મુલાકાત લીધી હતી ત્યારે હું મંત્રમુગ્ધ થઈ ગયો હતો। મહામંદિરની દિવાલો ઉપર ચિત્રોમાં રામાયણ, ગીતા અને મહાભારતના દિવ્ય ઉપદેશોનું નિરૂપણ કરાયું। ઉત્તર પ્રદેશના સીએમ યોગી આદિત્યનાથે વારાણસી રામ મંદિર મુદ્દે નિવેદન આપતા કહ્યું આજે દરેક ભારતીય ગર્વ અનુભવી રહ્યો છે।
कारण के अयोध्या में राम मंदिर नु निर्माण थई रह्यु छे। राम मंदिर पर भाजप सांसद हेमा मालिनी नु निवेदन, कहू तमाम भारतीय राम मंदिर माटे भारे उत्सुक, आपणा माटे सम्माननी वात छे, आ अद्भुत काम पीएम मोदी ना कारणे संभव। हेमा मालिनीए वधुमां कह्युं के आपणे तो क्यारे विचार्युं पण नहोती शकता, आजादी बाद क्यारे कोईए विचार्युं नहीं होय, तीर्थ स्थळोनो विकास पहेला ज थयो नथी। भजनिक अनूप जलोटानुं संदेश न्यूज पर मोटुं निवेदन, कह्युं पहेला आ देशने घणा लोकोए सोने की चिड़िया कहीने खूब लूट्यो, हवे आ देश सोनानो सिंह छे, ब्रिटन बाद अमेरिकामां पण भारतीय पीएम बनी शके। राजकोटमां भगवान श्री रामनी पादुका दर्शन माटे मुकाई, राजकोट थी पादुका सोमनाथ मंदिरे लई जवाशे, 1 किलो सोनू अने 7 किलो चांदी थी बनावामां आवी छे पादुका। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पहला पादुका अयोध्या पहुंचे। महाराष्ट्र पुणे में गमकवार मार्ग अकस्मात सर्जायो, डिंडोर में हाईवे पर सर्जायेला अकस्मात में 8 लोकोना मौत, पिकअप वन अने ट्रक वच्चे जोरदार अथडामण थई, मृतकों में 2 बाळको, 5 पुरुषों अने 1 महिलानो समावेश। पूर्व डेप्यूटी सीएम नितिन पटेले केन्द्रीय गृहमंत्री ना कर्या वखाण, कहू वैष्णव समाज भारत ने सिंह आप्यो छे, आ सिंह नरेन्द्र भाई मोदी नो जमणो हाथ, कड़ी में वैष्णव समाज ना जीवन साथी पसंदगी मेड़ा में निवेदन। नितिन पटेले वधुमां कहू अमित भाई शाह अमारा पटेल समाज ना वेवाई, दरेक समाज में छोकराओनी सामे छोकरीओनी संख्या ओछी, आ एक चिंतानो मोटो विषय। हिंदू एकता मुद्दे पूर्व डेप्यूटी सीएम नितिन पटेल नु निवेदन, कहू हिंदुओं में एकता ओछी छे अने ज्ञातिवाद वधु, आपणे हिंदुओं नाम थी एक थवानी जरूर। प्रेम लग्न मुद्दे विश्व उमिया धाम ना प्रमुख नु मोटू निवेदन, कहू दीकरीने घर में लागणी आपो, अन्य समाज में लग्न न करे, माता पिता पासे समय ना होवाने कारणे दीकरीओ बीजे हूफसो थे छे। पाटीदार समाज ने दीकरीओना लग्न अंगे विश्व उमिया धाम प्रमुखे व्यक्त करी चिंता, कहू दीकरीओ बेकार अने असामाजिक तत्वों साथे लग्न करे छे, सोशियल मीडिया थी संपर्क थाय, होटल में जमवा जाए, दीकरीओने फसावे छे। आरपी पटेल नी सलाह, घर सभा योजीने दीकरीओने हूंफ आपवी जोईए, घर में ज दीकरीओ माटे सारू वातावरण ऊभू करवू जोईए, सिनेमामां पण अन्य समाज में लग्न की घटनाओ दर्शावाई छे, आवी घटनाओ दीकरीने वधारे भ्रमित करे छे। મોરબીમાં નકલી ટોલ નાકુ ઝડપાવાના કેસ મુદ્દે વિશ્વ ઉમિયાધામના પ્રમુખ આરપી પટેલનું નિવેદન, રાષ્ટ્રને નુકસાન કરતી પ્રવૃત્તિ કરવી અયોગ્ય, સમાજના આગેવાનોએ આ વાતનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી। વિશ્વ ઉમિયાધામના પ્રમુખે કહ્યું સમાજને દિશા મળે એ પ્રમાણેનું કાર્ય કરવું જોઈએ, સિદ્ધસર ઉમિયાધામ પ્રમુખના પુત્ર સામે નોંધાઈ છે ફરિયાદ। मोटा दानी जाहरात करता दानवीरों ने विश्व उमियाधाम प्रमुख की मार्मिक टकोर, कहू राजकीय महत्वाकांक्षा कारण लोग दान की जाहरात करे, केटलाक किस्साओ बने कि जेमां लोग समयसर दान नहीं आपता। आरपी पटेले दाताओं अंगे बात करता कहू के 90% जेटला दाताओ छे जे समयसर दान आपी जाए छे, परंतु 10% लोको ज्यां सुधी तेमना कार्यो पूर्ण न थाय त्यां सुधी दान नहीं आपता, आ प्रकारना लोकोए समयसर दान आपी देवा जोईए। ડાંગમાં ધર્માંતરણ મુદ્દે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના કેન્દ્રીય સહમંત્રીએ છોટુ વસાવા અને મહેશ વસાવાને પ્રાણી સાથે સરખાવ્યા, ધર્મેન્દ્ર ભવાનીએ કહ્યું છોટુ વસાવા મહેશ વસાવાના સમર્થકો શિયાળનું ટોળું। ધર્માંતરણ કરી સનાતન ધર્મથી વિમુક્ત કરવાનો વિશ્વ હિન્દુ પરિષદનો આક્ષેપ, ધર્માંતરણમાં સામેલ તત્વોને ધર્મેન્દ્ર ભવાનીની ચેતવણી, ગુજરાતમાં વર્ષની અંદર 15,000 લોકોને ફરી હિન્દુ બનાવીશું। કોલેજમાં થતા રેગિંગ મુદ્દે હાઈકોર્ટ આકરા પાણીએ, ગુજરાત હાઈકોર્ટનો સરકારને જવાબ રજૂ કરવા આદેશ, કહ્યું અનેકવાર રેગિંગનું પુનરાવર્તન થાય તે અયોગ્ય। અને કોલેજોમાં રેગિંગ થાય ત્યારે કમિટી શું પગલાં લે છે, કમિટીની રચનાના તપાસ મુદ્દે હાઈકોર્ટે અસંતોષ વ્યક્ત કર્યો। જીએનએલયુમાં વિદ્યાર્થીની સાથે દુષ્કર્મ મામલે ગુજરાત હાઈકોર્ટે સરકારનો ઉધડો લીધો, હાઈકોર્ટે કહ્યું અત્યાર સુધીમાં શું કાર્યવાહી કરી તેનો જવાબ આપો, સરકારે જવાબ રજૂ કરતા કહ્યું તપાસ માટે કમિટીની રચના, વિવાદ મુદ્દે ગુજરાત હાઈકોર્ટની સુઓ મોટો। રાજ્યપાલે દાણી લીમડા ઢોરવાડાની મુલાકાત લીધી, ઢોરવાડામાં ગાયોના મોત મુદ્દે રાજ્યપાલ ચિંતિત, ગાયોના મોત મુદ્દે માલધારી સમાજ કરી રહ્યો છે વિરોધ।
अमदावाद जिला कलेक्टर कचेरी में कलेक्टर की अध्यक्षता में संकलन समिति की बैठक अमदावाद शहर और जिला एमएलए बैठक में रहा हाजर। महिला धारासभ्यों की बैठक में अचूक गैरहाजरी, ओरडा खेतीवाड़ी पुलिस अधिकारियों की बैठक में हाजरी। मालधारी मुद्दे बीजेपी एमएलए आक्रमक मूड में, अमित ठाकरे संकलन बैठक में डीएलआर सर्वे बाकी होवाना कारणे मालधारियों ने हालाकी पड़ती होवानी रजूआत करी, वाडा पत्रक न होवाथी नथी मळी रह्यो लायसन्स। ઉત્તરાયણમાં ચાઇનીઝ દોરી અને તુક્કલ વેચવા પર પ્રતિબંધને લઈ ગાંધીનગર કલેક્ટરનું જાહેરનામું, ધાર્મિક લાગણી દુભાય તેવા લખાણો પતંગ પર ન લખવાનો જાહેરનામામાં ઉલ્લેખ, જાહેર માર્ગ પર પતંગ ઉડાવવા પર મનાઈ। રાજકોટમાં નર્સિંગ કોલેજની કેન્ટીનના ભોજનમાંથી નીકળી ઈયળ, કોલેજમાં 500-600 વિદ્યાર્થીઓ કરે છે અભ્યાસ, વિદ્યાર્થીઓના સ્વાસ્થ્ય સાથે કોલેજના ચેડા। वकील ने दिया आईटी विभागे शंकास्पद तपास करवी भारे पड़ी, आईटी विभाग नो गुजरात हाईकोर्ट में जवाब, अमे कायदा में रहीने ज कार्यवाही करी, माहिती ना आधारे ज लैपटॉप डॉक्यूमेंट्स लीधा, आईटी विभाग ने जाहिर में माफी मांगवा हाईकोर्टे कर्यो आदेश। गृह विभाग की ऑफिस की गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवीए सरप्राइज मुलाकात लीधी, संघवीए विभाग की समय और स्वच्छता जेवी बाबतों चकासी, अधिकारी की चेम्बर में बेसवाना बदले संघवीए लॉबी में खुर्सी नाखी माहिती लीधी। धानेरा में युवक नु हार्ट अटैक की मौत, क्रिकेट रमता रमता युवक ने आयो हार्ट अटैक, युवक ना मौत थी परिवार में शोक की लागणी। રાજકોટના જામકંડોરણામાં ડુંગળીની નિકાસ બંધ થતા કિસાન સંઘનો વિરોધ, મામલતદાર કચેરી રોડ પર ડુંગળી ફેંકી વિરોધ નોંધાવ્યો। ડુંગળીની નિકાસ બંધ થતા ધોરાજી પંથકના ખેડૂતોમાં આક્રોશ, સરકારના નિકાસબંધીના નિર્ણયના વિરોધમાં પ્રાંત કચેરીએ આવેદન પાઠવ્યું, ખેડૂતોએ રામધૂન બોલાવી વિરોધ નોંધાવ્યો। जूनागढ़ जिला भियाड गाम में सहाय की चुकवणी में गोटाला सामे आव्याना आक्षेप, मृत व्यक्तिओना नाम सहायना लिस्ट में समावेश थयानु सामे आव्यु। डुंगळीना डक्खा वच्चे जामनगर यार्ड में लसण की विपुल आवक, खेडूतोने लसणना मण दीठ रूपया 3500 मळता खुशी। ગઈકાલે જૂનાગઢના ઝાંઝરડા રોડ પર ગટરના ઢાંકણાના લીધે યુવાનનો ભોગ લેવાતા મહાનગરપાલિકાએ કોન્ટ્રાક્ટર અને પાણી પુરવઠા બોર્ડને નોટિસ ફટકારી, ભૂલને લઈ 21 વર્ષ યુવાનને જીવ ગુમાવવાનો વારો આવ્યો। ભાવનગર યાર્ડમાં ડુંગળી મામલે ખેડૂત આગેવાનોનો વિરોધ, ડુંગળીની નિકાસબંધીના મામલે ખેડૂત એકતા મંચના આગેવાનોએ વિરોધ દર્શાવ્યો, યાર્ડમાં ખેડૂત આગેવાન સાથે ખેડૂતો પણ વિરોધમાં જોડાયા। જામનગર જિલ્લામાં ડુંગળી નિકાસનો પ્રતિબંધ હટાવવા માંગ, નિકાસ બંધ થતા ખેડૂતોને રાતા પાણીએ રોવાનો વારો આવ્યો, ડુંગળીના ઢગલે ઢગલા ખેતરમાં પડી રહેતા રોષ। ધોરાજીના માર્કેટિંગ યાર્ડમાં આજથી ડુંગળીની હરાજી શરૂ, ડુંગળીના મણના ભાવ 150-300 રૂપિયા સુધીના મળતા ખેડૂતો મૂંઝવણમાં મુકાયા, ખેડૂતોએ ડુંગળીની નિકાસ ચાલુ કરવા કરી માંગ, ખેડૂતોને પોષણક્ષમ ભાવ ન મળતા હાલાકી। સાવરકુંડલા એપીએમસીમાં ચોથા દિવસે પણ જાહેર હરરાજી બંધ, એપીએમસી અને કિસાન સંઘની બેઠકમાં નિરાકરણ નહીં આવતા હરરાજી બંધ, ધર્મકુળ કોટનના પ્રોપરાઇટ અસભ્ય વર્તન કરતા નોટિસ। ખેડામાં મહિલા આરોગ્ય કર્મીનો આપઘાત, અધિકારીઓના ત્રાસથી આપઘાત કર્યાની ચર્ચા, બદલીને લઈ ગળે ફાંસો ખાઈ મોતને વાલું કર્યું। પાલિતાણામાં આર્મી જવાને કર્યો આપઘાત, અગમ્ય કારણોસર ઘરે ગળફાંસો ખાઈ આપઘાત કર્યો, થોડા મહિના પહેલા જ આર્મીમાં જોડાયો હતો યુવક, પોલીસે ઘટના સ્થળ પર પહોંચી વધુ તપાસ હાથ ધરી।
ખેડામાં રેલવે ટ્રેક પર પથ્થર મૂકીને ટ્રેન ઉથલાવવાનો પ્રયાસ. અમદાવાદ મુંબઈ મેઇન રેલવે ટ્રેક પર પથ્થર મુકાયા. રેલવે ટ્રેક પર અજાણ્યા શખ્સોએ પથ્થર મૂક્યા. તપાસમાં 5-7 કિલોના પથ્થર હોવાનું સામે આવ્યું. રેલવે પોલીસની કાર્યવાહી. सूरत में ट्रेन की अड़फेटे बे मित्रों ना मौत. क्रिकेट रमी ने परत फरता समय नड़ियो अकस्मात. रेलवे ट्रैक क्रॉस करती वखते ट्रेन की अड़फेटे मौत. आपना एमएलए चेतर वसावाना रिमांड नामंजूर. वन कर्मियों पर हुमला ना केस में नोंधायो हतो गुनो. रिमांड नामंजूर थता चेतर वसावाने रहेवू पड़शे जेल में. सूरत में 5 वर्षीय बाड़की पर पड़ोश में रहता युवके कर्यो दुष्कर्मनो प्रयास. बाड़कीए बूमा बूम करता माता पिता दौड़ी आया. माता पिताए बाड़की ने नराधमना चुंगल माथी मुक्त करावी. पोलीसे युवक ने झड़पी तपास हाथ धरी. सूरत में वीजा और वर्क परमिट ना नाम 21 लोगों पास थी 1 करोड़ पड़ाव्या. वेसुमा कैनेडा यूके यूएस ना वीजा ना नाम ठगाई. आरोपी यूसुफ पठान ने दिल्ली थी धरपकड़. पोलीसे आरोपी की पत्नी ने वॉन्टेड जाहिर करी. सूरत में 10,000 माटे युवक की घातकी हत्या. लाकड़ाना फटका मारी युवक ने मौत ने घाट उतारियो. पांडेसरा पुलिस त्रण हत्याराओं की करी धरपकड़. डॉक्टर्स कैटरस नु काम करता विशाल गर्ग नामना युवक की हत्या. राजकोट में उत्तरायण पहला क्राइम ब्रांचे चाइनीज दोरी झड़पी. क्राइम ब्रांचे 146 नंग चाइनीज दोरी पकड़ी पाड़ी. क्राइम ब्रांचे मोबाइल कार सहित 3,63,000 मुद्दामाल सहित 2 लोगों ने झड़पी पाड़ा. सुरेन्द्रनगर में महंत की हत्या भेद उकेलायो. 2 आरोपी चांदी वस्तुओं और मोबाइल लूटवा महंत की हत्या निपजावी. एलसीबीए 2 आरोपी ने दबोची लीधा. 2 लोग फरार. 19 डिसेम्बरे दुबई में बपोरे 1 वाग्या थी आईपीएल नु एक्शन. एक्शन में 333 खिलाड़ियों बोली बोलावाशे. आईपीएल में वधु 77 खिलाड़ियों ने थशे खरीदी. आईपीएल में 263 करोड़ की खिलाड़ियों पर लागशे बोली. 30 विदेशी खिलाड़ियों की थशे खरीदी. आ ऑक्शन में 10 टीम ना खिलाड़ियों माटे बोली. मार्च 2024 में आईपीएल नु 17मी सीजन रमाशे. आर्जेंटीना में 150 किलोमीटर प्रति कलाक की झड़पे पवन फूंकायो. बाहिया ब्लेंका शहर में तोफाने सर्जी ताराजी. अनेक घरों की छत भारे पवन में उड़ी. उरुग्वे में पण तोफाननो कहर. उरुग्वे में वावाझोड़ाना कारणे 2 लोगोना थया मौत. उरुग्वे में अनेक इमारतों अने मकानों दुकानों ने नुकसान पहुंच्यु. होल्डिंग्स उड़िया. मॉलनी अंदर पण खाना खराबी सर्जाई. आर्जेंटीना दरियाकांठाना शहरों में वावाझोड़ू त्राटक्यू. वावाझोड़ाना कारणे अनेक शहरों में विनाश वेरायो. भारे तोफान में 14 लोगोना मौत थया. विनाशक वावाझोड़ाना कारणे सरकारे लोकोने घरनी बहार न निकळवा अपील करी. दाहुद इब्राहिम ने कराची में जे राबता हॉस्पिटल में दाखल कराया होवानो सोशियल मीडिया पर दावो. दाहुद ने हालत गंभीर होवानु कहवाय रह्यु छे. दाहुद गैंगना पूर्व सभ्य हॉस्पिटल में दाखल करायानी पुष्टि करी. दाहुद ने जे फ्लोर पर रखायो छे त्यां कोई ने जवानी परवानगी नहीं. दाहुद ने जे रपाया होवानी हाल अधिकृत पुष्टि नहीं. दाहुद गैंगना सभ्योए गंभीर रीते बीमारी होवानी माहिती आपी. दाहुद अनेक वर्षो थी कराची में छुपायो छे. मोस्ट वॉन्टेड आरोपी दाहुद ने जेर आपवा मुद्दे निवृत्त मैनेजर जनरल पी के सहगल नु निवेदन. कहूं छेल्ला 1 वर्ष में पाकिस्तान में 9 आतंकीओना मौत थया छे. आ दाहुद ने जेर आपवामां आव्यो होवानी चर्चा चाली रही छे. जो आ खबर साची होय तो भारत माटे सारा समाचार छे. परंतु दाहुद नु मौत थाय ते पाकिस्तान क्यारे स्वीकार नहीं करे. आ घटना बाद अन्य आतंकीओ में भय. सतत भारत विरोधी आतंकी प्रवृत्ति करनारा पाकिस्तान में मौत थई रहा छे. कोरोना अने श्वास संबंधी बीमारियों ने लई डब्ल्यूएचओ की चेतवनी. डब्ल्यूएचओ ए सभ्य देशों ने कर्या अलर्ट. कोरोना नो वायरस पोतानो स्वरूप बदली रह्यो छे. तमाम सभ्य देशों मजबूत सर्वेलंस राखे. वायरस फ्लू रीनो वायरस जेवी बीमारीओ वधी रही छे. डब्ल्यूएचओ ए कहू बीमारी ना फैलावा पर रोक लागे ते जरूरी. माइक्रोप्लाज्मा में न्यूमोनिया सहित नी बीमारी थी सावधानी राखवी. सोर्स कोज 2 પોતાનું સ્વરૂપ બદલી રહ્યો છે. હાલ કોરોનાનો સબ વેરિયન્ટ JN1 ફેલાઈ રહ્યો છે.
અમેરિકામાં રાષ્ટ્રપતિ બાઇડનની સુરક્ષામાં મોટી ચૂક સામે આવી. પ્રેસિડેન્ટના કાફલા સાથે કાર ટકરાઈ. જો બાઇડન પત્ની સાથે જઈ રહ્યા હતા કારમાં. દુર્ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિના અહેવાલ નહીં. લોકસભાની ચૂંટણી પહેલા ભાજપમાં તૈયારીઓ શરૂ. રાજ્યની તમામ મહાનગરપાલિકાઓના કોર્પોરેટરની બે દિવસીય કાર્યશાળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલે અમદાવાદમાં કોર્પોરેટરોની કાર્યશાળાની શરૂઆત કરાવી.